खबर सोनभद्र जनपद से, जहां 21 तारीख की शाम को एजाज अहमद ने प्रिया सोनी को डाला से बुलाकर प्रीतनगर में धारदार हथियार से सोनी का गला धड़ से अलग कर हत्या कर दी। उसके बाद सर को उठाकर जंगल में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। आपको बता दें, एजाज अहमद प्रिया सोनी से शादी करना चाहता था। सोनी भी शादी करना चाहती थी, परंतु एजाज के परिवार वाले कहते पहले धर्म परिवर्तन करो। जब सोनी इस धर्म परिवर्तन के खिलाफ हुई तो एजाज अहमद अपने एक साथी के साथ मिलकर 21 सितंबर की शाम को गला काट कर हत्या कर दी। जब इस घटना की सूचना पुलिस को हुई तो चौपन कोतवाल अपनी टीम के साथ घटना की छानबीन में लग गए और मात्र 3 दिन के अंदर घटना का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद जिला मुख्यालय से पुलिस कप्तान ने घटना में शामिल अभियुक्तों को जेल भेज दिया। चौपन सोनभद्र से मनोज कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। थाना चौपन के प्रीतनगर पर एक महिला का सरकटा शव मिला था, जिसकी बाद में पहचान प्रिया सोनी पुत्री लक्ष्मी सोनी के रूप में हुई थी। आज उसी हत्या का खुलासा हुआ है। जानकारी ये प्राप्त हुई कि प्रिया सोनी ने 7 जुलाई को एक लड़के एजाज अहमद के साथ में शादी कर दी थी, कोर्ट मैरिज कर दी थी, और एजाज अहमद के साथ में उसके घर में रहने के प्रयास कर रही थी। तो एजाज अहमद और उसके परिवार के द्वारा उस पर दबाव डाला जा रहा था कि बिना धर्म परिवर्तन किए तुम्हें हमारे यहाँ बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लड़की बार बार उसको अपने घर ले जाने के लिए कहती थी। इसी क्रम में जब वो लड़के ने आज ही जा करके 19 सितंबर को, जब लड़की को एक कोबरा में एक हॉस्टल में रखा था पहले से, 19 सितंबर को वहां से बुलाया और अपने एक मित्र शोएब अख्तर के साथ मिल करके धारदार चाकू से उसकी हत्या कर दी और हत्या करके सर धड़ से अलग करके उसको प्रीतनगर के जंगल में फेंक दिया था। कल डॉग स्क्वाड की मेहनत के साथ में वो जो शव का सर है वो भी बरामद हो गया है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग डीएनए की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, उनके पास से जो हत्या में प्रयुक्त चाकू था, जो संबल था वो बरामद हो गया है, जो मृतका का फोन था वो बरामद हो गया है। उन्होंने जो हत्या करने के बाद शव को छुपाने के लिए एक फावड़ा खरीदा था वो भी बरामद हो गया है, और जिस कार का प्रयोग इस पूरी हत्या में किया गया वो कार भी बरामद है। दुर्घटना का खुलासा हो गया है। अब हम शीघ्र ही इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके इसमें कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी दिलाने का प्रयास करेंगे और इस प्रकरण में एनएसए की कार्रवाई भी करी जाएगी।